ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब जो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दिग्विजय चौटाला का, वीरेंद्र सिंह पर ये बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाले के प्रमाण पेश करें, एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, एक हफ्ते में सबूत पेश नहीं किए तो हम कोर्ट जाएंगे। अभय और कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे और अब इस पर यह पलटवार भी आ चुका है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों से कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है दिग्विजय चौटाला का, वीरेंद्र सिंह पर ये हमला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया, सीधा सीधा ये निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है जेजेपी को लेकर, अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ तो उसके प्रमाण पेश करें वीरेंद्र सिंह। एक हफ्ते का टाइम ये दिया गया है, एक हफ्ते के अंदर पेश करें वरना कोर्ट का रुख किया जाएगा। हालांकि अब वीरेंद्र सिंह ने भी इस पर पलटवार किया, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में ही उनको एक्सपोज किया जाएगा। तो एक हफ्ते में सबूत नहीं दिए तो कोर्ट जाने की बात ये की है। उनके खिलाफ के भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआ होगी। जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेके जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे। मेरे पिताजी पर भी बहुत आरोप लगे, दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, मगर हम खामोश थे इस बात को देख करके कि कभी ना कभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई बात कहता है तो उसके पीछे कुछ ठोस होता है। बहुत समय से ये लोग कह रहे हैं, अब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा, अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के लोग हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस बात के लिए कहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।